प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। प्यारे बच्चों, अब ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बार आपको समझा दिया है, वही बातें बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता है कि आप अपने टीचर्स को अपना होमवर्क भेजिए, घर पर रहकर अच्छी तरह से हार्डवर्क कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और कम से कम 6-7 घंटा आप अपनी पढ़ाई कीजिए। इन बातों को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम बार बार आपको ये नहीं बताएंगे कि आप अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, आप 11वीं 12वीं क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हैं, आपकी सीनियर क्लासेज है, आप सीनियर स्टूडेंट बन चुके हो और सीनियर स्टूडेंट को ये बातें शोभा नहीं देती कि उनके टीचर्स उनको बार बार ये बातें समझाए कि वो अपना टाइम टेबल मेंटेन करे, अपना होमवर्क अपने सब्जेक्ट टीचर्स को भेजे। ये सारी बातें आपको शोभा नहीं देती है कि आपके टीचर्स ये समझाए। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो भी गाइडलाइन या जो भी निर्देश आपके टीचर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं आप उनका अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। थैंक यू। अब आप ध्यान दीजिए, जो आपका जो लेसन चल रहा है वो लेसन चल रहा है इक्वलिटी। इक्वलिटी के बारे में कल हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि इक्वलिटी क्या होती है। आज जो आपको समझाने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। ये समानता है वो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो काइंड्स ऑफ जो इक्वलिटी है, सबसे पहले नेचुरल इक्वलिटी, प्राकृतिक समानता होती है, एक होती है सोशल इक्वलिटी सामाजिक समानता, एक होती है सिविल इक्वलिटी नागरिक समानता, फोर्थ है इकोनॉमिक इक्वलिटी आर्थिक समानता, फिफ्थ है पॉलिटिकल इक्वलिटी राजनीतिक समानता और एक होती है सिक्स्थ नेशनल इक्वलिटी। तो ये 6 प्रकार की इक्वलिटी होती है, समानता होती है। तो इनके बारे में हम एक एक करके आज आपको बताएंगे कि नेचुरल इक्वलिटी क्या होती है, सोशल इक्वलिटी क्या है, सिविल इक्वलिटी क्या है, इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या है और पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या है और नेशनल इक्वलिटी क्या होती है। इससे पहले जो फ्रीडम लेसन हमने आपको समझाया था उसमें भी से काइंड्स ऑफ फ्रीडम या लिबर्टी के बारे में आपको बताया था। तो उसके स्थान पर जैसे यहाँ इक्वलिटी है उनके स्थान पर यहाँ आपकी लिबर्टी आ जाएगी, जैसे नेचुरल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी और नेशनल लिबर्टी। इसी तरह से इक्वलिटी के भी प्रकार होते हैं, नेचुरल, सोशल, सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और नेशनल इक्वलिटी होते हैं। तो आज जो आपकी फर्स्ट इक्वलिटी है वो है नेचुरल इक्वलिटी। ये प्राकृतिक समानता क्या होती है उसके बारे में सुनिए। नेचुरल इक्वलिटी हैज बीन एक्सप्लेन डिफरेंटली बाई डिफरेंट राइटर्स। जो प्राकृतिक समानता है अलग अलग लेखकों के द्वारा, राइटर्स के द्वारा सभी ने अलग अलग मत दिए हैं नेचुरल इक्वलिटी के बारे में। सम थिंकर्स होल्ड द ओपिनियन, कुछ थिंकर्स का सोचना है कि दैट नेचर हैज क्रिएटेड ऑल द पीपल इक्वल। कुछ थिंकर्स का ये सोचना है कि प्रकृति ने सभी लोगों को समान बनाया है, इक्वल बनाया है, एंड ऑल पर्सन शुड बी गिवन आइडेंटिफाइबल ट्रीटमेंट irrespective of their capacity and the temperament। अब उन लोगों का सोचना है कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जब प्रकृति नहीं, नेचर ने सभी लोगों को इक्वल बनाया है तो उन लोगों का सोचना है कि सभी लोगों को के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन वास्तव में क्या है, नेचर हैज नॉट क्रिएट ऑल द पीपल इक्वली, कि प्रकृति ने सभी लोगों को इक्वल नहीं बनाया है। उनके अंदर कुछ ना कुछ नेचर ने कुछ डिफरेंट किया, कुछ अलग किया। कैसे? बट द फैक्ट इज दैट नेचर हैज नॉट क्रिएट ऑल पीपल इक्वल, लेकिन वास्तव में जो सत्य बात क्या है कि नेचर ने सभी व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाया है। पीपल डिफर इन कलर, लोगों का कलर अलग होता है, लोगों की हेल्थ अलग अलग होती है, हेल्थ अलग होता है, एंड टेम्परामेंट एंड एबिलिटी, लोगों के अंदर एबिलिटी और उनका स्वभाव भी अलग अलग होता है। तो नेचर ने सभी लोगों को इक्वल नहीं बनाया, लेकिन सत्य बात तो ये है कि नेचर ने सभी लोगों को अलग अलग बनाया है। उनका स्वभाव, रंग, स्वास्थ्य, टेम्परामेंट, एबिलिटी, वो सारी डिफरेंट होती है। तो नेचुरल इक्वलिटी मीन्स that all the individuals are basically equal. लेकिन natural equality का मतलब ये होता है कि सभी लोगों के साथ equal treat करना चाहिए। Natural equality means that all the individuals are basically equal. देखो, basically सभी लोग कैसे, प्राकृतिक रूप से सभी लोग equal है, and they should be treated equally. इसलिए उन लोगों के साथ
समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, उनके उनको समान रूप से उनके साथ ट्रीट करना चाहिए, यह कहलाती नेचुरल इक्विटी। इसको ही हम नेचुरल इक्विटी कहते हैं कि सभी लोग इक्वल है, लेकिन कलर आदि के आधार, कलर रंग आदि के आधार पर, या हेल्थ या टेम्परामेंट एबिलिटी के आधार पर सभी लोग इक्वल है, लेकिन उनके साथ इस तरह का कोई डिफरेंट नहीं करना चाहिए, समान अवसर उनको प्राप्त होने चाहिए अपना विकास करने के लिए। ये होती है नेचुरल इक्विटी। उससे आगे हम आपको बताएंगे सोशल इक्विटी। अगला आपका है सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी इंप्लाइज दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर इक्वल। सोशल इक्विटी का मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर सभी व्यक्ति एक समान है। ये मतलब होता है कि वो चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी क्लासेस का हो, कैसा भी क्यों ना हो, चाहे उसका कलर कैसा हो, कास्ट कैसी हो, क्रीड कुछ भी क्यों ना हो, सभी लोग समाज के अंदर यदि समान है, समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, तो वो सोशल इक्विटी कहलाती है। तो सोशल इक्विटी इंप्लाइज दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर इक्वल। सोशल इक्विटी का यह मतलब होता है कि समाज के अंदर सभी लोग एक समान है, एंड नो मैन इज रिकॉग्नाइज एज सोशली सुपीरियर। और जिस समाज के अंदर डिफरेंट नहीं होता कि ये व्यक्ति सुपर है, ये इंफीरियर है, कोई सुपीरियर है, कोई उच्च वर्ग उच्च है या निम्न है, इस तरह से यदि कोई समाज डिवाइड नहीं होता है, तो उस समाज के अंदर सोशल इक्विटी होती है। एंड नो मैन इज कंसिडर्ड, जहां किसी भी व्यक्ति को सोशली सुपीरियर या इंफीरियर नहीं माना जाता है, एंड टू एनी अदर मेंबर्स, दूसरे सदस्यों से, टू द कम्युनिटी, ऐसा समुदाय जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं माना जाता है, तो वो सोशल इक्विटी कहलाती है। इट आल्सो मींस दैट, इसका मतलब है ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। इसका मतलब क्या है कि सभी व्यक्तियों को, सभी मेंबर्स को, सभी व्यक्तियों को इक्वल ट्रीट किया जाए, विद रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, उसके संपत्ति के आधार पर, कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर या क्रीड के आधार पर। यदि किसी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, किसी और उसको इक्वल ट्रीट किया जाता है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो काला है, गोरा है, या फिर वो किसी भी कास्ट का क्यों ना, उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, या किसी भी नस्ल का क्यों ना हो, सभी के साथ यदि इक्वल ट्रीट किया जाता है, तो सोशल इक्विटी कहलाती है। इफ द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट, यदि कोई समाज डिफरेंट कास्ट और क्लासेस के अंदर यदि बटा हुआ है, इसका मतलब उस समाज के अंदर दैट्स ऑल अब्सेंस ऑफ सोशल इक्विटी। इसका मतलब उस समाज के अंदर सामाजिक समानता नहीं है। आपको पता है जैसे समाज बटा हुआ है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र आदि बहुत से वर्णों में बटा हुआ है, लेकिन ईश्वर ने सभी लोगों को एक समान बनाया है। तो इसी तरह से आपको बताते हैं कि सोशल इक्विटी क्या होती है, तो समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया, किसके आधार पर, वेल्थ के आधार पर, कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, क्रीड के आधार पर, सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, तो वो कहलाती है सोशल इक्विटी। और थर्ड पॉइंट होता है सिविल इक्विटी, उसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं सिविल इक्विटी क्या है। अंदर सिविल इक्विटी क्या होती है, नागरिक समानता क्या होती है, तो सिविल इक्विटी मींस दैट एवरीवन इन द स्टेट एंजॉय द सेम स्टेटस। सिविल इक्विटी का मतलब होता है कि स्टेट के अंदर सभी लोगों को समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो रूल ऑफ लॉ है, सभी लोगों के लिए कानून का शासन एक जैसा होना चाहिए, चाहे समाज के अंदर व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, कानून के सामने सब इक्वल होने चाहिए। तो इन द स्पेयर ऑफ प्राइवेट लॉ, एंड इट ऑल्सो समटाइम इम्प्लाइज द रूल ऑफ लॉ। कई बार इसको हम रूल ऑफ लॉ के रूप के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स दैट नो पर्सन इन द स्टेट, इसका मतलब सिविल इक्विटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट नो पर्सन इन द स्टेट शुड एंजॉय एनी स्पेशल प्रिविलेजेस। सिविल इक्विटी का मतलब होता है कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होने चाहिए। यदि किसी समाज के अंदर यदि किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, सभी लोग इक्वल है, तो वो कहलाती है सिविल इक्विलिटी। फेयर जस्टिस इज नॉट पॉसिबल इन द साइंस ऑफ सिविल इक्विलिटी। देखो, फेयर जस्टिस उचित न्याय, सही न्याय संभव ही नहीं है यदि किसी यदि लोगों को सिविल इक्विलिटी नहीं है, नागरिक समानता नहीं है, तो वहां पर फेयर जस्टिस संभव नहीं हो सकता। दिस मीन्स दैट सिविल राइट्स एंड लिबर्टी, इस कारण से समाज के अंदर सभी नागरिकों को
उनके सिविल राइट्स जो नागरिक अधिकार है और सिविल लिबर्टी जो नागरिक स्वतंत्रताएं हैं वो सभी लोगों को समान रूप से मिलनी चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड कलर एंड कास्ट, चाहे उन लोगों का नस्ल कुछ भी हो, रंग कुछ भी हो या फिर उसका कास्ट कुछ भी हो, सभी लोगों को समान रूप से सारे सिविल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज उसको प्राप्त होनी चाहिए कि समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को कानून के सामने सभी लोग इक्वल होने चाहिए और समाज के अंदर सभी लोगों को समान रूप से इक्विटी होनी चाहिए, उसकी समानता होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति को का कलर कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो या क्रीड कुछ भी हो, किस कोई भी चीज क्यों ना, इसके मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी लोगों को सिविल राइट्स और लिबर्टी समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, वो कहलाती है सिविल इक्विटी। अब आगे हम आपको बताएंगे इसके अंदर इकोनॉमिक इक्विटी क्या होती है। इकोनॉमिक इक्विटी के बारे में हम आपको इसमें बता रहे हैं कि इकोनॉमिक इक्विटी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक इक्विटी का मतलब यह नहीं होता है कि सभी लोगों की आय एक समान हो, सभी लोगों की इनकम एक समान हो। इकोनॉमिक इक्विटी का मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन न हो, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण न हो, एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन न हो। जब किसी समाज के अंदर किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है और सभी व्यक्तियों को अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं, अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है, तो वो कहलाती है इकोनॉमिक इक्विटी। इकोनॉमिक इक्विटी का मतलब हम ये नहीं निकालेंगे कि सभी लोगों की इनकम एक समान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इकोनॉमिक इक्विटी का मतलब है कि सभी लोगों को अवसर दिए जाए, सभी लोगों को अपनी जो बेसिक नीड्स होते हैं रोटी कपड़ा और मकान उसको आसानी से वो प्राप्त कर सके, तो वो कहलाती है इकोनॉमिक इक्विटी। तो इकोनॉमिक इक्विटी डज नॉट मीन दैट एवरीबॉडी शुड हैव इक्वल इनकम। इकोनॉमिक इक्विटी का मतलब ये नहीं होता है कि सभी व्यक्तियों की इनकम एक समान हो जाए, बट इट डज मीन्स, लेकिन इसका मतलब होता है दैट ऑल द सिटीजन शुड हैव द मीन्स टू मीट देयर नीड्स। इसका मतलब यह होता है कि समाज के अंदर सभी लोगों को साधन प्राप्त होने चाहिए ताकि वो अपनी जो आवश्यकताएं होती है उनको प्राप्त कर सके, ऐसे साधन स्टेट उसको प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराए ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इकोनॉमिक इक्विटी आल्सो इंप्लाइज द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉइट। इकोनॉमिक इक्विटी हम उस रूप में भी एम्प्लाई कर सकते हैं जहां समाज के अंदर किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन न हो, व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन न हो, एक क्लास के द्वारा दूसरी क्लास का एक्सप्लॉयटेशन न हो। तो इस तरह से यदि समाज के अंदर कोई शोषण नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, आपस में व्यक्ति या समाज वर्ग दोनों एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस समाज के अंदर इकोनॉमिक इक्विटी है और उसके अंदर लोगों को ऐसे साधन प्राप्त होने चाहिए ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, तो वो कहलाती है इकोनॉमिक इक्विटी। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको पॉलिटिकल इक्विटी के बारे में। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं पॉलिटिकल इक्विटी के बारे में। पॉलिटिकल इक्विटी क्या होती है? पॉलिटिकल इक्विटी मीन्स दैट ऑल द सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल इक्विटी का मतलब होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, और पॉलिटिकल इक्विटी मीन्स दैट ऑल द सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द पॉलिटिकल स्फीयर। मानो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सभी लोगों के साथ एक जैसा समान व्यवहार किया जाए, वो कहलाती है पॉलिटिकल इक्विटी। ऑल द सिटीजन शुड गेट इक्वल पॉलिटिकल राइट। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल इक्विटी हम कब मानते हैं? जब सभी नागरिकों को उनके राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। एवरी सिटीजन शुड गेट द राइट टू वोट। हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार हो, वोट का अधिकार हो, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव को लड़ने का अधिकार हो, राइट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, सभी को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का अधिकार हो, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार हो। नोबडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड ब्लड। किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, नस्ल, रंग या रक्त के आधार पर उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो कहलाती है पॉलिटिकल इक्विटी। इसका मतलब ये नहीं कि यदि किसी व्यक्ति को वोट का अधिकार दे रहे हैं और वोट के अधिकार के देने के कारण उसको उसके रिलीजन, ब्लड या क्रीड, कास्ट
उसके आधार पर यदि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो पॉलिटिकल इक्विलिटी नहीं होती। पॉलिटिकल इक्विलिटी में ये होता है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे उसका धर्म कैसा भी हो, कोई सा भी हो, चाहे उसका नस्ल कोई सी भी हो, या फिर उसका रंग कैसा भी है, या कोई भी कास्ट का है, इनके आधार पर उस किसी तरह का भेदभाव न हो, डिस्क्रिमिनेशन न हो, और उसको वो सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त होने, सारे के सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक व्यक्ति को मिलने चाहिए, वो कहलाती है पॉलिटिकल इक्विलिटी। एक होती है नेशनल इक्विलिटी। नेशनल इक्विलिटी का मतलब, राष्ट्रीय समानता का मतलब होता है कि वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्री, सभी नेशन एक जैसे हैं, एक देश के साथ जो व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार दूसरे देश के साथ किया जाए। मतलब एक देश के साथ जो अच्छा व्यवहार किया जाता है एक मैटर के ऊपर, उसी मैटर पर दूसरे देश के साथ यदि बुरा व्यवहार किया जाता है तो ये नेशनल इक्विलिटी नहीं है। तो नेशनल इक्विलिटी का मतलब होता है संसार के अंदर जितने भी देश है आपस में यदि एक दूसरे के मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करते हैं तो उसके मामले में सभी, कोई भी मैटर को यदि डील करते हैं वो इंटरनेशनल इशू है, तो सभी देशों के साथ इक्वल ट्रीट करना चाहिए, एक समान व्यवहार करना चाहिए, तो वो कहलाती है नेशनल इक्विटी। तो आज हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ इक्विटी के बारे में, जिसमें हमने नेचुरल इक्विटी के बारे में, सोशल इक्विटी के बारे में, सिविल इक्विटी के बारे में, इकोनॉमिक इक्विटी, पॉलिटिकल इक्विटी एंड नेशनल इक्विटी के बारे में पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, सभी बच्चों को अपने फेयर नोटबुक में वो करना है। थैंक यू।